अनार का चित्रण करके, अनार का रेखांकन करके आपको हम दिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अनार बनाने के लिए सबसे पहले हम बीच में इस तरह की एक रेखा खींच लेते हैं और फिर इसको दोनों तरफ से इस प्रकार से बंद कर देते हैं, कोष्ठक की आकृति बना करके। इस तरह से बंद कर देने के बाद हम अनार को जहाँ ऊपर इस तरह से बनाते हुए इसी प्रकार से ले आएंगे और नीचे इस तरह से कर देते हैं और फिर इधर से भी उसी अनुपात में हम ध्यान दें, उसी अनुपात में बनाते हुए इधर से भी ले आकर के यहाँ बंद कर देते हैं और नीचे इस प्रकार से हम बना देते हैं। इस तरह से बनाने के बाद हम जहाँ बिंदु रख देते हैं जिससे अनार के नीचे का फलक बन जाता है और इस अनार को बनाने के बाद बीच के रेखांकन को इस प्रकार से हम मिटा देते हैं और इसमें इस तरह से बिंदु रख देते हैं तो कटा हुआ फलक प्रतीत होता है जैसे कि इतना काट दिया गया है और देखने में अच्छा दिखने लगता है। इसके बाद हम इसको इस तरह से पानी से जोड़ देते हैं और यदि पत्ती बनाना हो तो हम इस प्रकार से पत्ती बना लेते हैं। इस तरह से आगे की ओर खींचेंगे, पहले पत्ती के बीच की नस को इस तरह से बना देते हैं और उसके बाद फिर इस तरह से इसकी पत्ती बनाते हैं। इस प्रकार कैसे पत्ती बना देंगे और उसके बाद इसके बीच की नसों को इस प्रकार से दर्शा देंगे। तो बड़ी आसानी के साथ हम पत्ती बना लेते हैं और इधर भी पत्ती बनाने के लिए इस तरह से रेखा खींच लेते हैं और उसके बाद फिर इस प्रकार से दोनों तरफ से पत्ती बना देते हैं और फिर नसों को इस प्रकार दर्शा देते हैं इस तरह से। तो बहुत कम समय में ही हम अनार पत्ती सहित बना करके तैयार कर लेते हैं और फिर फोटो पेंसिल से छाया प्रकार दिखा करके सुंदर रूप में तैयार करके हम परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को पहली बार देख रहे हों तो आप हमारे इस चैनल आर्ट प्रभा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, साथ ही आप कनेक्ट कर लें जिससे आने वाले हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।